अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कामरान, माय चैनल 66। आज हाजिर है एक पाकिस्तानी गुलकारा के साथ। अपने हलका हबा में काफ़ी नाम रखती हैं, क्लासिकल मौसीकी में उनका बड़ा नाम है। आज इंशाल्लाह ताला हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवालात करेंगे और कुछ फरमाइश करेंगे कि हमें अपने पसंद का गाना सुनाएं। कुछ हम भी चैनल भी उनके आगे कुछ फरमाइश रखेगा कि वो हमें अपने गाने सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज हम आपसे सवाल तो काफ़ी हैं, काफ़ी गुफ्तगू करने का प्रोग्राम है चैनल के हवाले से। एक जो उभरता सवाल है हम लोगों की तरफ से, वही है कि आप इस फील्ड में, सिंगर की मतलब गाना गाने की फील्ड में आप आई कैसे? मैं 2003 से मैंने ये स्ट्रगल की सिंगिंग में, और मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं गाता। हम बेसिक राजपूत हैं और मैं ही सिर्फ गाती हूँ। तो मुझे शौक़ था बचपन से ही। जब मिली नगमे कहती थी तो कुछ कौमी तराने वगैरह भी मैं कहती थी, तो माँ बाप नहीं रहा तो उस रीज़न में, उसके बाद फिर मैंने इसी फील्ड को अपना, अभी तो मैं प्रोफेशनली हूँ, तो इस वजह से बस मैंने ये सिंगिंग शुरू की और काफ़ी उस्तादों से मैंने सीखा। मैम, आप बताएंगे कि इस फील्ड में आप आई कैसे और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब आपके इस? बस ये लोगों की ही मेहरबानी थी कि वो मुझे बहुत लाइक करते थे शुरू से ही और बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो मेरे भी दिल में आया कि भाई मुझे गाना चाहिए, और गाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत स्ट्रगल की, बाकायदगी से उस्तादों से मैंने सीखा और फिर ही मैंने ये शुरू किया। और जो मेरी बेस है वो क्लासिकल है, और उसके बाद फिर जो दुनियादारी जो है वो मैंने भी अपनाई। मैंने मेरे जो एल्बम हैं ज़्यादा वो सराइकी में हैं, और जो उसके बाद है मेरे पंजाबी भी हैं और उर्दू भी हैं। गुनाज, आप बताएंगे कि आप किस किस्म की गायकी पसंद करती हैं, मतलब कैसा गाने हैं जो आप पसंद करती हैं? क्लासिकल मौसीकी, फोक गाने, इलाकई गाने, क्या पसंद करती हैं आप गाना? हाँ जी, मैं तो सबको ही लाइक करती हूँ, मेरे लिए सब बहुत अच्छे गाते हैं, मुझे सभी पसंद हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लासिकल भी गा सकूँ, फोक भी गा सकूँ, और पंजाबी उर्दू मिक्सिंग और सूफियाना कलाम। और उसके बाद हमारे जो हैं वहाँ की सूफियाना कलाम काफ़ी में काफ़ी, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, वो भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, मैं बहुत लगन से गाती हूँ। कोई सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कोई ऐसी कॉफ़ी जो आपने मोस्टली गाई है जो आपको इम्प्रेस करती है, जिससे आप समझती हैं कि ये गा के मुझे सुकून मिलता है या इसकी शायरी बहुत अच्छी है, कुछ सुनाएंगे जी आप हमें कलाम अपना? जी जी मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको। क्या हाल सुना कोई मेहर मराज ना मिलदा है, क्या हाल सुनावा दिलदा कोई मेहर मराज ना मिलदा। गुनाज, आपको मुल्क से बाहर भी परफॉर्म करने का मौका मिला है, नाज़रीन को बताएंगे आप कहाँ कहाँ गई परफॉर्म करने के लिए? जी नाज़रीन, ज़रूर। मैं फ़र्स्ट तो मैं दुबई में आई थी फ़र्स्ट टाइम, जी, और फिर उसके बाद मेरे उस्ताद रहते हैं यूके में, उन्होंने मुझे बुलाया। वहाँ पे एक सकाफ़ती मेला होता है जहाँ पे पंजाबी भी हर तरह की ज़बान गाई जाती है, तो मैं वहीं पे गई। मलेशिया में भी हम विद ग्रुप गए, और इंडिया में भी मैं गई परफॉर्म करके आई हूँ, और मुझे अवार्ड भी मिला है, और दुबई से भी मुझे अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड होल्डर बुर्ज खलीफा में। आपने कोई गुलकारी में बाकायदा कोई तालीम हासिल की, कोई ट्रेनिंग ली अपने को सीनियर उसातिज़ा के बारे में बताएं, आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की गुलकारी की? जी सर, मेरे उस्ताद रहते हैं बहावलपुर में,
और उनके उस्ताद रहते हैं उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, गवालिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वो। मैंने उनसे भी सीखा, मुबारक अली ख़ान साहब से भी सीखा और इनाम अली ख़ान साहब से भी मैंने सीखा, जो कि हॉलैंड में रहते हैं विद फैमिली। वो शागिर्द हैं सलामत अली ख़ान साहब के। तो मैंने इन उस्तादों से ना अपनी एक बाकी से एक तालीम हासिल की और बस, और फिर इसी सिलसिले में और जो बाकी है लोगों में गाना होता है जो ऑडियंस के जी लिए, जी बिल्कुल। वो भी मैं गाती हूँ, जो मेरे दिल की है आरज़ू, जो मेरे रूह को बहुत खुश करती है, वो क्लासिकल है। ठीक। और तो आप अपने इस प्रोफेशन में गायकी में खुद किसको पसंद करती हैं, किसकी गुलकारी को ज़्यादा पसंद करती हैं, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, बहुत से नामवर गुलकार हैं दुनिया में। देखिए ऐसे तो नाम हम अगर गिनने बैठेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत देर हो जाएगी, तो मैं नाम नहीं गिन सकती। जो भी जितने भी एडवर्ड के जितने भी सिंगर्स हैं, आई लाइक इट, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है और मैं सबको पसंद करती हूँ। और इवन के मैं सबको गाती हूँ, सबके जितने भी सॉन्ग्स हैं मैं सबके गाती हूँ और बहुत दिल से गाती हूँ। गुलनार, बड़ा सियासी सा आपने मुझे आंसर दिया है कि आप किसको पसंद करते हैं। कोई एक पर्सनैलिटी जो आइडियल है गुलकारी में, उसका मतलब हमें बताएं कौन है जिसको आप पसंद करते हैं, और उसका कुछ गा के भी बताएं हमें। जी मैं लता जी को बहुत पसंद करती हूँ, जी, बहुत ज़्यादा, लता जी का कोई ऐसा सॉन्ग, कोई उनकी गज़ल और जो मैडम नूरजहाँ को भी करती हूँ, गुड। ज़रूर सुनाऊँगी। जी प्लीज। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। मैडम, पता चला है कि आप बाहर दूसरे मुल्कों में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। नाज़रीन को बताएंगी कि आप कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ मुल्क का नाम रोशन किया आपने, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया। जी फर्स्ट टाइम मैंने दुबई में किया, और दुबई में बहुत सारे कंसर्ट मैंने किए और ग्लोबल विलेज में भी किए, गवर्नमेंट के भी मैंने लोकली प्रोग्राम भी किए, और सिंगापुर में भी मैंने किए विद ग्रुप, जैसे होटलों में जाते हैं हम लोग। और उसके बाद मैंने यूके में भी किया और इंडिया में भी मैंने परफॉर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है, यही आवाम की और बहुत मेहरबानी है ऑडियंस की कि मुझे लाइक करते हैं, और मैं भी उन्हीं की वजह से गाती हूँ, और मेरा इन्हीं लोगों की वजह से नाम है, और इनकी मोहब्बत है तो मैं हूँ, अगर इनकी मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये गुलनाज तो कुछ ही नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आपका मुल्तान शहर से ताल्लुक़ है, सूफिया कराम का शहर है ये, और सराइकी पट्टी है, और आप सराइकी बोल भी लेती हैं, कुछ सराइकी में हमें किसी सवाल को जवाब दें, और कोई सराइकी का कोई सॉन्ग है आपके जहन में सराइकिस्तान के लिए, वो डेडिकेट करें आप। जी मेरे साइकी में तो बहुत सारे एल्बम हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैंने साइकी ज़्यादा गाया है और ज़बानें बहुत कम गाई हैं, तो क्योंकि मेरा साइकी इलाके से है ताल्लुक़, और मुल्तान शहर, बहावलपुर, अहमदपुर,
वहाँ पे मेरे ऑफिस भी हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाम कमाया है, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं और सब सराइकी, आई लाइक इट सराइकी, मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से आज मेरा नाम है। तो मेरी एल्बम है सराइकी, अगर मुझे आप कुछ सुनना चाहेंगे सराइकी में तो मैं बहुत शौक से कहूँगी। खड़ी डिनी हसने ढा इन्हा लो का कुहू, अल्लाह आन बसावे साडियां छो का कुहू, मौला आन बसावे साडियां छो का कुहू। खड़ी डिनी हाँ, खड़ी डिनी हाँ, पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, पीर पैगंबरा हो पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, मैं मर गई वे, मैं मर गई वे, मैं मर गई, हाय तरस नहीं आंदा इन्हा लोका को, हाय तरस नहीं आंदा इन्हा लोका को, अल्लाह आन वसावे साड़ियाँ झोका को, मौला आन वसावे साड़ियाँ झोका को। खड़ी रीनी हाँ, खड़ी रीनी हाँ। ये तो आपने कुछ हमें गाने सुनाए हैं, कोई अपना फेवरेट, को पसंदीदा गाना जो आप समझती हैं कि आप दिल से गाती हैं, वो हमें आप सुनाएं प्लीज़। हाँ जी ज़रूर, जो मेरी पसंद है मैं आपको सुनाती हूँ। सजना रे क्यों भीगे तोरे ने, सजना रे क्यों भीगे तोरे ने, तोड़े न अपने सुंदर सपने, बदलेंगे दिन रे क्यों भीगे तोरे ने, सजना रे क्यों भीगे तोरे ने। अब माय चैनल जो है हमारा, उसकी तरफ से एक फरमाइश है, ये मैडम नूरजहाँ का एक बहुत मशहूर गाना रहा है, मेरे दिल दे शिशवी तस्वीर तेरी, आप हमें वो गाना डेडिकेट करें प्लीज़। जी जरूर, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई, सजदे तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई, सजदे तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं अजला तू जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना तेनू महरम दिले दा, दिले दा, दिले दा, दिले दा, तेनू महरम दिले दा, जान लिया दिलदारा मेरे हाण दिया, हुण तेनू तक दिया होवे अखीर मेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई, सजदीए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं अजला तू जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना।
मैम आपने कुछ जूनियर्स के लिए कोई पैगाम आपने देना चाहेंगे, जो पीछे आने वाले हैं, बच्चियां बच्चे गाना गाते हैं, शौक रखते हैं, उसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बहुत ही दिलचस्प आपने सवाल किया। मैं तो खुद ही जूनियर हूँ और मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, लेकिन हम सब जूनियर के लिए ये मेरा पैगाम है कि अच्छे से मेहनत करें और स्ट्रगल करें। कोई भी काम है, कोई भी शोभा है, और उसमें अपना जो गुरु हो, उस्ताद हो, जो आपका टीचर हो, उसकी आप इज़्ज़त करें, और बड़ों की हमेशा इज़्ज़त करें, जो सीनियर हैं हमारे, जो हमारे लिए मोस्ट मोस्ट सीनियर हैं, उनके लिए हमें चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त करें। और सीनियर को भी चाहिए कि हम जैसे जो हम जूनियर हैं, हमें कुछ मौका दिया जाए सब जूनियर्स को, और कुछ उनको आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो अपने ही कामों में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा पीछे जो हैं, सब लोग आपके पीछे खड़े हैं लाइन में, तो उनकी थोड़ी सी केयर की जाए। तो मैं ये समझती हूँ, इस जो माई चैनल्स का है, ये भी काफ़ी माशाल्लाह, इनका भी काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने भी की हुई है, और जो न्यू टैलेंट है उसको भी ये सामने ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही हमारे कुछ लोग अगर ऐसे हो जाएं, तो मेरे ख्याल में तो सबका नाम बने और सबको अल्लाह ताला रोज़ी रिस्क दे, और इसमें बहुत अच्छी बात है। तो सो मैं इतना ही पैगाम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। वैसे तो ये हमारा प्रोग्राम जो भी है आपके व्यूअर्स और आपके देखने वालों के लिए है, जो आपको पसंद करते हैं, जी तो इतने प्रोग्राम में हमने आपके फ़ैन्स के लिए आपसे कुछ नहीं सुना। जो आपके फ़ैन्स हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे, उनकी तरफ से कोई फरमाइश हुआ हो, ज़्यादा वोटिंग हो, रेटिंग हो, तो वो आप कोई गाना सुनाएं, ताकि फ़ैन्स आपके सुने और वो खुश हों कि मैडम ने किसी चैनल पे उनके लिए कोई गाना डेडिकेट किया है। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे मेरे फ़ैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी से मेरा नाम है, उनके प्यार की वजह से, उनकी लाइकिंग की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी, और जिन लोगों को मैं टाइम नहीं दे पाती, उनके साथ बात नहीं कर पाती, तो मैं एक सॉन्ग्स में उनको जवाब दूँगी। सो प्लीज़, छोटी सी बातों पे कोई ऐसे न रूठे मेरी जान, छोटी सी बातों पे कोई ऐसे न रूठे मेरी जान, सदियों का नाता बस एक पल में, सदियों का नाता बस एक पल में, ऐसे न छोटे मेरे जान, छोटी सी बातों पे कोई ऐसे न रूठे मेरी जान। आपसे गुफ्तगू करके अंदाज़ा हुआ कि आप कुछ फ्लाही काम भी करती हैं अपने शहर में, और कुछ इसके बारे में बताएंगे आप कि ये कैसे फ्लाही काम करती हैं और इसकी फंडिंग वगैरह आपको मतलब कहाँ से होती है? जी, जो फंडिंग वगैरह तो नहीं होती मेरी, मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी तरफ से करती हूँ, और ये तो मेरा जो इदारा है वो तकरीबन 8 साल से है, टीपी गोल्ड सराय की संगत, जो कि गवर्नमेंट से भी मंजूर शुदा है इदारा ये। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी मैं करती हूँ, बस ये मुझे अल्लाह ताला देता है, तो मैं कर देती हूँ। अपने कोई आने वाले प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, फ्यूचर में कोई आपका प्रोग्राम चल रहा है जिसपे नाज़रीन या देखने वाले उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए वहाँ मौजूद हों या आएँ आपको देखने के लिए? जी, मेरा प्रोग्राम है नेक्स्ट टाइम बर्थ दुबई में, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, वो जैसे ही फाइनल होगा तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ अपनी जो ऑडियंस हैं वो ज़रूर आएंगे,
मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि वो एक टिकट शो है, प्रोफेशनल एक प्रोग्राम है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह बहुत ही अनकरीब तो ज़रूर होगा। पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी आप, दूर से कोई खैर सगाली का पैगाम, कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई स्पेशल वर्ड हो आपके पास उनको कहने के लिए? हाँ जी ज़रूर, पाकिस्तान तो हमारा वतन है, वो तो एक हमारी जन्नत है, लेकिन जब लोग हम पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो रियली कान यू ब्लेम मी, और मैं तो बहुत ही मिस करती हूँ अपने पाकिस्तान को। पिछले दिनों जो लाहौर में धमाका हुआ है, मैं बहुत बहुत अपसेट हूँ और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे, और इतनी जाने गई हैं, इतना बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे, बहुत ज़्यादा है, तहाई अफसोस है। यू आर वॉचिंग माई चैनल 66।